नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक औसम लेक्चर हमारे जुलाई महीने के करंट अफेयर्स के ऊपर। दोस्तों ये जुलाई महीने के ऊपर हमारा फोर्थ पार्ट है। इससे पहले जुलाई 2018 के ऊपर मैं तीन पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स या फिर बैंकिंग फाइनेंस, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड और स्कीम्स जो जुलाई महीने में लॉन्च की गई हैं सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इन सारे सेक्शंस को कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम कुछ रिमेनिंग सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए या फिर ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं जुलाई महीने में, तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लेक्चर या सीरीज की मदद से आपका क्विक रिवीजन, जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनके लिए क्विक रिवीजन हो सके करंट अफेयर का, इसलिए ये सीरीज रन कर रहे हैं। इस सीरीज में एक तो आपका जो अगर कवर नहीं किए हैं तो कवर हो जाएंगे करंट अफेयर, और जो लोग करंट अफेयर कवर कर चुके हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए मैंने हर मंथ के ऊपर करीब करीब 100 करंट क्वेश्चंस बनाए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करके पता कर सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। सो प्लीज डू इट और अच्छे से रिवाइज करिए। और देखिए, आपको मैं लेक्चर देखने से पहले बताना चाहता हूं कि आप नोट्स बनाने पे ध्यान मत देना, बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मेक दी नोट्स। क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक चीज याद हो जाए। तो आप सेम चीज को याद करने के लिए सेम लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखिए, एंड आई बेट आपका एक भी करंट अफेयर नहीं छूटेगा। आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो लेक्चर है वो यूपीएससी एस्पायरेंट हो, एसएससी का एग्जाम दे रहा हो या फिर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम जो कि इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स कंडक्ट करवाती है, उसके अलावा कोई भी अगर स्टेट पीएससी में अपियर हो रहा हो, जैसे कि एमपीपीएससी होता है, राजस्थान पीएससी होता है, तो वो भी इन लेक्चर को देख के लाभ उठा सकते हैं। यहां पे जो करंट अफेयर्स है हम लोग यहां पे फैक्चुअली कवर करेंगे। और प्लीज इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो करंट अफेयर्स होते हैं उनमें क्या चीज पे ध्यान देने की जरूरत होती है और कैसे हमें उनको प्रिपेयर करना होता है। सो प्लीज वॉच देम वेरी अटेंटिवली। दोस्तों यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। मेरा नाम है आलोक गुप्ता, मैंने ग्रेजुएशन किया मैनेट भोपाल से, और दोस्तों मैं 2 बार यूपीएससी मेंस भी लिख चुका हूं। तो बस इन लेक्चर्स में मैं यही चाहता हूं कि जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो एग्जाम का एक्सपीरियंस है, उससे आपको लाभ पहुंचाया जा सके। सो आई विश कि आप लोग भी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की तौर पे उभरे और इन लेक्चर से ज्यादा फायदा उठाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स विद दी स्पोर्ट्स सेक्शन। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के जो करंट अफेयर्स हैं हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के साथ। आज का सबसे पहला करंट अफेयर क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि जुलाई महीने से रिलेटेड है, कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है सी विजिल। ठीक है, तो पेपर में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा कि सी विजिल जो ऐप है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिस्क्राइब करता है ऐसी बॉडी के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इस टाइम पे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है ओपी रावत। उसके अलावा जो हमारे बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके नाम है श्री सुनील अरोरा एंड श्री अशोक लवासा। ठीक है, मेनली तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम याद रखना, उनका नाम क्या है, ओपी रावत। और जो ऐप लॉन्च की गई है वो है सी विजिल। सी विजिल का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिटीजन्स विजिल। अगर मान लीजिए किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि इलेक्शन के दौरान कहीं पे कोई वॉयलेशन हो रहा है, कुछ कोई दिक्कत हो रही है, धांधलेबाजी हो रही है, तो वो इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन होगी वो ऑपरेशनलाइज होगी या ऑपरेशनल रहेगी जब जब जिस जगह पे कोई इलेक्शन चल रहे होंगे। ठीक है, और बस आपको इतना याद रखना है, सी विजिल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है ओपी रावत। उसके अलावा एक और चीज, चलिए ये मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछता हूं, ये बताइए हमारा कौन सा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि हमारे इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी एक बॉडी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। जो बीएसएनएल है, एक पीएसयू, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसने एक इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस चालू की है जिसका नाम है विंग्स। आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो पेपर में यह पता होना चाहिए विंग्स क्या है। विंग्स एक इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस है, मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप टेलीफोन कर सकते हो किसी को। और ये जो सर्विस है ये किसने लॉन्च की है, बीएसएनएल ने।
ठीक है, तो अभी क्या होता था कि बहुत सारे इंडिया में ऐसे एरियाज हैं जहां पे नेटवर्क का इश्यू होता है, जहां पे टावर्स वगैरह नहीं होते तो फोन नहीं लगा पाते हो, लेकिन इंटरनेट क्या है, हर जगह पे अवेलेबल है, तो इसीलिए आप इंटरनेट की मदद से फोन कर सकते हो। इसका नाम रखा गया विंग्स, और ये लॉन्च किसने किया, BSNL ने। इज दैट क्लियर? इसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सब्सक्राइबर होगा उसको एक टाइम की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी, और ये फी कितनी होगी, 1,099 रुपए। उसके बाद वो किसी भी इंटरनेट कनेक्शन वाले फोन पे फोन कर सकता है। आगे चलते हैं। सीबीआईसी ने एक लॉन्च किया है जीएसटी जीएसटी वेरीफाई ऐप। सीबीआईसी का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसका पहले नाम क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, जिसको बदल के कर दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इस ऑर्गेनाइजेशन या इस बोर्ड ने एक क्या कहते हैं एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है जीएसटी वेरीफाई। ठीक है, और जीएसटी वेरीफाई ये जो एंड्रॉयड ऐप होगी ये क्या करेगी, मतलब इफ दी पर्सन कलेक्टिंग जीएसटी फ्रॉम दी कंज्यूमर इज एलिजिबल टू कलेक्ट इट और नॉट, मतलब ये एक तरीके से ये बताएगी, जैसे आप अभी आज के टाइम पे जाते हो किसी भी शॉप पे, वो बोलता है भैया इस पे 18% का जीएसटी लगेगा, और आप उसे पे कर देते हो, पर आपको ये तो पता ही नहीं होता कि वेदर ये एलिजिबल है या नहीं है। तो इससे आप ये वेरीफाई कर सकते हो जो सामने वाला इंसान आपसे जीएसटी मांग रहा है, क्या कहते हैं, इज इट एप्लीकेबल और इज इट अलाउड टू कलेक्ट दी जीएसटी और नॉट। आपको पता होगा जीएसटी क्या है, ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे इंडिया के ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम करके, जो सेंटर और स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे ना उनको सब्स्यूम करके। और इसमें हर एक जीएसटी कलेक्टर को क्या करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज भी कर सकते हैं, तो इसी मिसयूज को रोकने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है, जीएसटी वेरीफाई ऐप। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज स्पोर्ट न्यूज। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आज हम लोगों ने साइंस एंड टेक में क्या बात की, एक वेरीफाई ऐप के बारे में हम लोगों ने बात किया है, विंग्स ऐप के बारे में बात की हम लोगों ने, और सी विजिल के बारे में बात की। आगे चलते हैं, स्पोर्ट न्यूज की बात करते हैं। स्पोर्ट न्यूज में जो सबसे पहली इवेंट है जुलाई महीने से रिलेटेड, वो है हिमा दास के बारे में। हिमा दास इंडिया की ऐसी पहले वुमेन बन गई जिन्होंने गोल्ड जीता है वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है इस करंट अफेयर में वो ये, हिमा दास कौन है, ये एक स्पोर्ट पर्सनैलिटी है। अगर और टफ बनाऊं तो हिमा दास किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये एथलेटिक्स से एसोसिएटेड है, और अगर उसमें भी बात करें तो ये धावक है एक तरीके से, और इन्होंने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में, जो आईएएएफ कंडक्ट करवाती है वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप। उसमें हिमा दास ने ये जो गोल्ड मेडल है वो कब जीता था, जब उन्होंने वुमेन्स 400 मीटर फाइनल कंपटीशन हो रहा था उसके दौरान जीता था। बस इतना याद रखना है, हिमा दास किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, एथलेटिक्स से। इंडिया ने कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 टाइटल जीत लिया है, तो पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कबड्डी मास्टर्स 2018 का टाइटल किसने जीता, याद रखना है इंडिया ने। कहां पे हो रहा था ये, दुबई में हो रहा था। ठीक है, इंडिया के अगर हम बात करें कबड्डी टीम के जो कैप्टन है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अजय ठाकुर। इंडियन कबड्डी टीम के जो कैप्टन है उनका नाम क्या है, अजय ठाकुर। ठीक है, अजय ठाकुर कौन है, एक कबड्डी प्लेयर है और कबड्डी टीम के कैप्टन है इंडियन कबड्डी टीम के। अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2018 को जीत लिया है, और इंडिया जो था वो रनर अप था, मतलब इंडिया को हरा के ही ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2018 किसने जीती, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। पेपर में यह भी पूछा जा सकता है हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2018 कहां पे कंडक्ट हुई थी, तो याद रखना नेदरलैंड में कंडक्ट हुई थी। कहां पे, नेदरलैंड में कंडक्ट हुई थी। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, तो पीआर सृजीश। ठीक है, इंडियन कैप्टन का नाम क्या है, पीआर सृजीश, और इनको अवार्ड भी मिला है बेस्ट गोल कीपर का, बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, पीआर सृजीश को। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, ली चोंग वी जो है वो मलेशियन ओपन बैडमिंटन सिंगल टाइटल जीत चुके हैं, तो पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा जो मलेशिया में ओपन बैडमिंटन सिंगल टाइटल होता है वो किसने जीता है, तो ली चोंग वी। ठीक है, ली चोंग वी ने जीता है ये टाइटल। अदर रिजल्ट्स की बात करें तो मिक्स डबल में कौन जीता, वुमेन्स डबल में कौन जीता, वुमेन सिंगल में कौन जीता, वुमेन्स डबल्स में कौन जीता, ये आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई इवेंट होते हैं अगर जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो होते हैं ग्रैंड स्लैम्स के,
ग्रैंड स्लैम होते हैं जो चार इवेंट होते हैं ना, वो जैसे विंबलडन हो गया, यूएस ओपन हो गया, ये सारे टूर्नामेंट्स के बारे में क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, तो यहां पे आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार के लिए याद कर लो, मलेशिया ओपन बैडमिंटन सिंगल टाइटल किसने जीता है? ली चोंगवी ने। राहुल द्रविड़ जो हैं वो इंडिया के फिफ्थ इंडियन क्रिकेटर बन गए, मतलब इंडिया के फिफ्थ क्रिकेटर ऐसे बन गए जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम एक तरीके से ये समझ लो कि कोई भी जो प्लेयर होता है उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने का तरीका है। इसमें इससे पहले इंडिया के चार क्रिकेटर शुमार हैं, अब राहुल द्रविड़ जो हैं वो पांचवें बंदे बन गए। राहुल द्रविड़ को आपको पता होगा, राहुल द्रविड़ बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं जिनको वॉल ऑफ टीम भी बोला जाता था, ठीक है, मतलब दीवार थे ये इंडियन क्रिकेट टीम के। और इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को 2011 में वर्ल्ड कप में ये लेके गए थे, सॉरी 2011 बोला हूं, 2007 में ये वर्ल्ड कप की टीम के कैप्टन भी थे। राहुल द्रविड़ पांचवें इंडियन क्रिकेटर हैं जो हॉल ऑफ फेम में है। इससे पहले कौन कौन था? अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, विशन सिंह बेदी एंड कपिल देव, तो ये चार लोग पहले थे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। अब राहुल द्रविड़ का भी नाम इसमें शुमार है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और इनके साथ, राहुल द्रविड़ के साथ और किसको इंडक्ट किया गया हॉल ऑफ फेम में, तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग और रिटायर्ड इंग्लैंड इंग्लैंड की जो विकेट कीपर बैट्समैन है क्लेयर टेलर, इनको भी इंडक्ट किया गया है। तो ये दो नाम को भी याद रखना। 2018 जुलाई के महीने में जो क्रिकेट की रेगुलेटिंग बॉडी है आईसीसी, इसने तीन लोगों को इंडक्ट किया है हॉल ऑफ फेम में, राहुल द्रविड़, रिकी पॉन्टिंग एंड क्लेयर टेलर। विक्रम डोगरा जो हैं वो पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड की टफेस्ट आयरन मैन ट्रायथेलॉन को जीता है। एक तरीके से देखिए, ये ट्रायथेलॉन क्या होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा मैराथन का, मैराथन क्या होती है, एक बहुत दूर तक दौड़ने वाली रेस होती है। अब मैराथन के साथ आप तीन चीजें और जोड़, मतलब दो चीजें और जोड़ दो, एक स्विमिंग और एक साइकिलिंग और मैराथन, तो इन तीनों चीजों को मिला के बोलते हैं ट्राई एथलॉन, ट्राई एथलॉन। तो ट्राई एथलॉन, इरानियन ट्राई एथलॉन को जीतने वाले इंडिया के पहले आर्मी ऑफिसर का नाम क्या है? विक्रम डोगरा। इन्होंने ये खिताब जीता। इसमें देखो, जो स्विम करना होता है आपको, 3.8 किलोमीटर इन्होंने स्विम किया, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग की और 42.2 किलोमीटर की मैराथन की। ये वर्ल्ड की टफेस्ट ट्राई ट्राई एथलॉन होती है। तो विक्रम डोगरा ने ये खिताब जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैक्स मैक्स वरस्टैपेन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। मैक्स वरस्टैपेन कौन है? ये एक फॉर्मूला 1 कार ड्राइवर है या कार रेसर है, ठीक है। फॉर्मूला 1 की जो रेसेस होती है ना, उसके जो इवेंट होते हैं मेजर इवेंट, उनको ऐसे बोलते हैं, चाइनीज ग्रांड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता है? मैक्स वरस्टैपेन ने। मैक्स वरस्टैपेन एक डच ड्राइवर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला 1 की रेस को पहली बार जीता है। आगे चलते हैं, इंडियन गोलकीपर श्रेजीश जो है, इंडिया के गोलकीपर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ये इंडियन क्रिकेट टीम को के कैप्टन भी थे हॉकी टीम के, ठीक है, श्रेजीश। और जिनको क्या कहते हैं, अभी मैं आपको बता रहा था ना, श्रेजीश ने जो ये हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल था उसके दौरान इनको बेस्ट गोलकीपर का भी अवार्ड मिला था, पीआर श्रेजीश। तो ऐसा बोला जाता है कि जो पीआर श्रेजीश है, आने वाले जो एशियन गेम्स है 2018 के, उसमें ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रहेंगे, लीड करेंगे। इंडियन गोलकीपर पीआर सरजीश जो है वो 18 सदस्य की इंडियन हॉकी टीम के स्क्वाड को लीड करेंगे, मतलब कैप्टन रहेंगे। और ये जो एशियन गेम्स होने वाले हैं 2018 वाले, ये 18th एशियन गेम्स होंगे। ये जो एशियन गेम्स हैं ये कहां पे कंडक्ट होंगे? जकार्ता इंडोनेशिया, और जकार्ता की एक और सिटी पैलमबैंग में, पैलमबैंग एंड जकार्ता, अगस्त 2018 में ये होंगे। तो जब अगस्त के हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसकी बात करेंगे। हमारे कोच कौन रहेंगे इंडियन हॉकी टीम के? हरिंदर सिंह, कैप्टन पीआर सरजीश, डिप्टी कैप्टन चिंगले सेना, चिंगले सेना, चिंगले साना सिंह कंगजू कंग कुंजम, चिंगले साना सिंह कुंजम, ठीक है। और हमारे कैप्टन कौन रहेंगे? पीआर सरजीश। कोच का नाम क्या रहेगा? हरिंदर सिंह। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दीपा कर्माकर, बहुत ही ज्यादा फेमस है यार ये तो। ये क्या है? एक जिम्नास्ट है। तो पेपर में पूछा जाएगा दीपा कर्माकर कौन है? जिम्नास्ट है। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में। ये जो जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप हो रहा था, ये हो रहा था मर्सिन टर्की में, टर्की में जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसके दौरान गोल्ड मेडल जीता है हमारी दीपा कर्माकर ने। ये ऐसी पहली इंडियन जिम्नास्ट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड लेवल इवेंट में, पहली इंडियन जिम्नास्ट जिसने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड लेवल इवेंट में।
सत्य रूप सिद्धांत, सत्य रूप सिद्धांत, ये सेकंड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो को क्लाइम किया है, मतलब उसकी चढ़ाई की है। आपको पता होगा जो वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनोज बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर स्थित रहते हैं, मतलब नॉर्मली, तो इस माउंटेन की चढ़ाई की है, चढ़ाई करने वाले जो वर्ल्ड के हाईएस्ट वॉल्केनोज की चढ़ाई करने वाले, ये दूसरे इंडियन है, सतरूप सिद्धांत। अगर हम बात करें इससे पहले किसने और चढ़ाई की थी, तो उनका नाम था माली मस्तान बाबू, माली मस्तान बाबू। सत्यरूप सिद्धांत से पहले वर्ल्ड के हाईएस्ट वॉल्केनो को कौन क्लाइम कर चुका है? माली मस्तान बाबू। वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो का नाम क्या है? माउंट ओजस डेल सेलेडो, माउंट ओजस डेल सेलेडो। और ये वॉल्केनो कहां पे है? अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो वॉल्केनो है ये कहां पे है, तो याद रखना है, ये वॉल्केनो जो है वो ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया बोलो, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे है। अर्जेंटीना और चिली दोनों ही साउथ अमेरिकन, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आती हैं, ठीक है। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये जो अर्जेंटीना और चिली है उसके बॉर्डर पे ये स्थित है। माउंट ओजस सेल डेल सेलेडो एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप वोल्केनो की पढ़ाई करोगे ज्योग्राफी में, तो वोल्केनो तीन टाइप के होते हैं। तो एक होता है आपके क्या कहते हैं, ये साइरस वाले होते हैं शायद, दूसरे होते हैं क्यूम्यूल वाले, क्यूम्यूलस, और तीसरे होते हैं स्ट्रेटो। तो जो स्ट्रेटो वोल्केनो है, ये वोल्केनो कैसे बनते हैं? जब लावा और ऐश की लेयर्स ऑल्टरनेट बनती जाती है उसको स्ट्रेटो वोल्केनो बोलते हैं, या कॉम्पोजिट वोल्केनो भी बोल सकते हो आप इनको। तो ये जो वोल्केनो है ये अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे है, और ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, जिसकी हाइट है 6,893 किलोमीटर। सत्यरूप जो है पहले इंडियन है जिनने माउंट सिडली, माउंट सिडली हाईएस्ट वोल्केनो है अंटार्कटिका का, इसको भी इन्होंने क्लाइम किया है। इस वाले करंट अफेयर से बहुत सारी चीजें आपको याद करनी है। सत्यरूप सिद्धांत कौन है? ये इंडियन क्लाइंबर है। इन्होंने अभी क्या खिताब जीता है? तो माउंट ओजस डेल सेलेडो, जो हाईएस्ट वॉल्केनो है वर्ल्ड का, उसको क्लाइम करने का खिताब जीता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो किस इंडियन ने सबसे पहली बार क्लाइम किया था? तो माली मस्तान बाबू ने क्लाइम किया था। माउंट ओजस डेल सेलेडो जो हाईएस्ट वॉल्केनो है वर्ल्ड का, वो कहां पे है? वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे है। ये एक हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है जो कि स्ट्रेटो वॉल्केनो या कंपोजिट वॉल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा माउंट सिडली क्या चीज है? माउंट सिडली एंटार्क्टिका का हाईएस्ट वोल्केनो है। दीपिका पालिकल, दीपिका पालिकल क्या है? एक स्पोर्ट्समैन है, इंडियन स्पोर्ट्समैन है, और ये एक एथलीट है जिन्होंने टू रिप्रेजेंट एशिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन एथलीट्स एडवाइजरी कमीशन। आपको पता होगा कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं, उनके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो उसकी जो फेडरेशन है उस फेडरेशन की एथलीट एडवाइजरी कमीशन को अब ये रिप्रेजेंट करेंगी एशिया को, उसमें एशिया को रिप्रेजेंट करेंगी कौन? दीपिका पालिकल। इंडियन एस स्क्वाश प्लेयर दीपिका पालिकल जो है वो एशिया रिप्रेजेंट, एज अ तौर ऑफ एशिया रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगी कहां पे? प्रेस्टिजियस एथलीट्स एडवाइजरी कमीशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। क्लियर है? अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है लुइस मार्टिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? राजीव मेहता। क्लियर? आगे चलते हैं। मोहम्मद कैफ जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है कि अब ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कभी नहीं खेलेंगे, ठीक है। मोहम्मद कैफ ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो पेपर में अगर ऐसा आता है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से रिटायरमेंट किस प्लेयर ने लिया है, तो मोहम्मद कैफ ने लिया है। मोहम्मद कैफ के ऊपर एक खिताब भी है, इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट टीम के ये कैप्टन रहे हैं, कब? 2000 में जब श्रीलंका के खिलाफ खेला था, तो ये उस टाइम के कैप्टन थे मोहम्मद कैफ, तो इसीलिए काफी महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। सजन जो हैं, मतलब जो इंडियन रेसलर है ना सजन, उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड ऑन द ओपनिंग डे ड्यूरिंग द जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा सजन कौन है, तो याद रखना सजन जो है वो इंडियन रेसलर है। ब्रिजभूषण सरन सिंह, ब्रिजभूषण सरन सिंह जो है उनको 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 ये बोला गया है कि जो इंडिया का 2018 के एशियन गेम्स होने वाले हैं, मतलब 2018 के जो एशियन गेम्स होंगे जकार्ता में, वहां पे ये इंडिया के मिशन को लीड करेंगे या चीफ रहेंगे एक तरीके से, ठीक है। ब्रिज भूषण सरन सिंह,
आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो ये अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट हैं इंडिया के रेसलिंग फेडरेशन के, जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं बृजभूषण सरन सिंह। और ये क्या करेंगे, एक तरीके से चीफ के तौर पे लीड करेंगे इंडियन मिशन को एट 2018 एशियन गेम्स। तो इसके अलावा चार डिप्टी चीफ डे मिशन भी रहेंगे, तो उनके नाम आप यहां पे देख सकते हो, BS कुशवाहा, RK सेठी, DK सिंह और कर्नल RK स्वाइन। एशियन गेम्स 2018 कहां पे होने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया में होने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया में इंडिया का जो मिशन है, इंडिया की जो टीम्स हैं उसको कौन लीड करेगा, तो उसको लेके जाएंगे बृजभूषण सरन सिंह। बृजभूषण सरन सिंह कौन है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। फकर जमन जो है वो पहले पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है ODI में, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते हैं ना उसमें सबसे पहले पाकिस्तानी फकर जमन बन गए। अगर ऐसा ओवरऑल की बात की जाए, सबसे पहली डबल सेंचुरी ODI में किसने मारी थी, तो इंडिया के सचिन तेंदुलकर। सबसे ज्यादा ODI में डबल सेंचुरी मारने वाले बंदे कौन है, इंडिया के रोहित शर्मा। सबसे ज्यादा रन ODI में बनाने वाले प्लेयर कौन है, मार्टिन गुप्तिल, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज ये वाला फैक्ट फिर भी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो पाकिस्तान के पहले प्लेयर फकर जमन, जो इन्होंने ODI मैच में डबल सेंचुरी मारी है, ये इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ ये खिताब जीता था। और ओवरऑल ये सिक्स्थ बैट्समैन है जिसने मेंस ODI क्रिकेट टीम में डबल सेंचुरी मारी है। सबसे पहली बार सचिन तेंदुलकर ने मारी, रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी मारी है 3 बार, 264, 209, 208, ठीक है। और अगर हम और अगर हम रन वाइज बोले तो भी रोहित शर्मा ही है इंडियन प्लेयर जिन्होंने सबसे ज्यादा ODI में रन बनाए हैं एक मैच में, 264। मैं गलत था, मार्टिन गुप्तिल पहले थे, अब मार्टिन गुप्तिल नहीं रह गए। आगे चलते हैं, एलिसन बेकर वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव गोलकीपर है। एलिसन बेकर जो है वो लिवरपूल काउंटी के लिए खेलते हैं फुटबॉल, और ये क्या है, दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव गोलकीपर है, ठीक है। तो एलिसन बेकर का नाम याद रखना, पेपर में आएगा कि एलिसन बेकर कौन है। तो एलिसन बेकर जो है वो वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव गोलकीपर है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, इंडियन वुमेन कंपाउंड आर्चरी टीम जो है वो वर्ल्ड नंबर वन पे आ गई है। आर्चरी जो कंपटीशन होते हैं उसमें जो इंडियन वुमेन टीम है, आर्चरी टीम, वो नंबर वन पे आ गई है। बाकी कुछ डिटेल दी हुई है तो आप यहां पे देख सकते हो, मेन प्लेयर्स जो आर्चर्स हैं इंडिया के उनके नाम देख सकते हो, दीपिका कुमारी या फिर और कौन कौन है, बी ज्योति सुरेखा, त्रिशा देव, पी लिली चानू, मुस्कान किरार, दिव्या दयाल, मधुमिता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यंगेस्ट इंडियन गर्ल स्केल्स किलिमंजारो इन 3 डेज, इंडिया की यंगेस्ट लड़की, मतलब यंगेस्ट लड़की बन चुकी है जिन्होंने 3 दिन में किलिमंजारो, जो एक अफ्रीका का हाइएस्ट पीक है, किलिमंजारो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है। क्या है नाम, किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो वहां का सबसे ऊंचा माउंटेन है। तो इस माउंटेन को 3 दिन में चढ़ाई करने वाली इंडिया की यंगेस्ट इंडियन गर्ल बन गई है शिवांगी पाठक। ये 17 साल की है और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ये यंगेस्ट वुमेन है इंडिया से जिसने इस पीक को, टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड, हैज नाउ स्केल्ड अफ्रीका हाइएस्ट पीक। तो इन्होंने इससे पहले माउंट एवरेस्ट को भी चढ़ाई की थी और अभी इन्होंने अफ्रीका के हाइएस्ट पीक की भी चढ़ाई की। अफ्रीका का हाइएस्ट पीक क्या है, माउंट किलिमंजारो, और पूरे वर्ल्ड का हाइएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट। आप लोग मुझे ये बताना, जो माउंट एवरेस्ट है इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, मतलब कितना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, ये बताना, ठीक है। ये शिवांगी पाठक कौन है, एक क्लाइंबर है, यंगेस्ट क्लाइंबर। सॉरी, बाकी जो किलिमंजारो है ये, इसकी टोटल हाइट कितनी है, 5895 मीटर्स। मिथाली राज आपको पता होगा, मिथाली राज इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है, और क्या कहते हैं, कैप्टन है, और ये सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली भी वर्ल्ड की सबसे पहली महिला बन गई है। उसके अलावा ये पहली इंडियन है जिन्होंने 2000 रन बनाए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, पहली इंडियन, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की कैटेगरी में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने वाला कोई प्लेयर है तो वो इंडिया की महिला, इंडिया की क्रिकेट टीम की कैप्टन मिथाली राज है। ये अभी तक 2015 रन बना चुकी हैं। अगर हम मेंस की बात की जाए तो मेंस में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं, ठीक है।
तो प्लीज याद रखना। और अगर सबसे ज्यादा T20 में अगर रन किसी ने बनाए तो उनका नाम है, इंग्लैंड के एक क्रिकेटर है जिनका नाम है चार्लोट एडवर्ड्स, उन्होंने 2605 रन बना रखे हैं। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि वुमेन्स एशिया कप T20 कहां पे हुआ था, तो कुआला लंपुर में हुआ था। टोक्यो ने इंट्रोड्यूस किया है मैस्कॉट फॉर 2020 ओलंपिक गेम्स, जो 2020 में ओलंपिक गेम्स होंगे उसके लिए टोक्यो ने एक मैस्कॉट लॉन्च किया है। मैस्कॉट एक तरीके से उस गेम के बारे में मतलब कनेक्शन दिखाता है, उस गेम को प्रमोट करने का तरीका होता है। तो जो 2020 के ओलंपिक गेम्स होंगे वो कहां पे हो रहे हैं, टोक्यो जापान में होंगे। और इसका मैस्कॉट कहां पे क्या बनाया गया है, मीरा मिराय तोबा, मी राय तोबा, मी राय तोबा, ठीक है। तो मीराई तोबा को ओलंपिक गेम्स 2020 का मैस्कॉट बनाया गया है। और जो पैरालंपिक गेम्स होंगे उसका मैस्कॉट रहेगा सुमैटी, सुमैटी, ठीक है। तो ये दोनों मैस्कॉट्स हैं, प्लीज अच्छे से याद रखना। मराय तोबा क्या है, एक बिग आइड ब्लू चेक्ड कैरेक्टर है मराय तोबा, जो कि कॉम्बिनेशन है जैपनीज वर्ड फॉर फ्यूचर एंड इटर्निटी। फ्यूचर एंड इटर्निटी जो दो शब्द होते हैं जैपनीज, उनको अगर हम मिला देंगे तो मराय तोबा बनेगा, जिसका डायरेक्ट मतलब है होप फॉर अ ब्राइट फ्यूचर स्ट्रेचिंग ऑफ फॉर एवर। सुमेटी का मतलब क्या है, ये पैरालंपिक गेम्स जो होते हैं, मतलब जो थोड़े बहुत अपंग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए जो गेम होता है उसको बोलते हैं पैरालंपिक। उस पैरालंपिक जो होगा 2020 में, इसके लिए जो मैस्कॉट है वो है सुमेटी, सो माइटी का ये शॉर्ट फॉर्म है सुमेटी। नेक्स्ट ओलंपिक जो मैंने आपको बताया 2020 में होंगे, ये होंगे टोक्यो जापान में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्पोर्ट की फील्ड में है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2017 अनाउंस किए गए। जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसने 2017 के अवार्ड अनाउंस किए, और ये इंडिया एंड बेंगलुरु फुटबॉल क्रिकेट सॉरी फुटबॉल की जो टीम है उसके कैप्टन सुनील छेत्री को मिला है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड। जो कमला देवी है उनको मिला है वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2017, ठीक है। तो ये याद रखना सुनील छेत्री कौन है, एक फुटबॉलर है, ठीक है। और ये इंडियन फुटबॉलर टीम के भी कैप्टन है और बेंगलोर फुटबॉलर टीम के भी कैप्टन है सुनील छेत्री। कमला देवी फुटबॉलर वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इस तरीके से स्पोर्ट की फील्ड के हमारे सारे सारे करंट अफेयर या करंट इवेंट समाप्त होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग अवार्ड्स जो जुलाई 2018 में अवार्ड दिए गए उनके बारे में। इरफान खान को अवार्ड मिला है आइकॉन अवार्ड एट द लंडन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। इरफान खान जो इंडियन एक्टर हैं, इनको आइकन अवार्ड मिला है एट लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। ऋचा चड्ढा को मिला है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। मनोज वाजपेयी को इससे पहले मिल चुका है आइकन अवार्ड। ब्रिटिश कॉमेडी मूवी ईटन बाय लायंस को मिला है इस साल का टॉप प्राइज, ठीक है। तो इन तीनों के नाम याद रखना। हिमाचल प्रदेश जो इंडिया का एक स्टेट है, राज्य है, उसको मिला है नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षित मित्रत्व अभियान। ये एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके तहत क्या बोला जाता है, जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती है ना, उनको हर महीने की 9 तारीख को एंटीनेटल फ्री चेकअप होता है उनका, एंटीनेटल फ्री चेकअप होता है, सो दैट अगर कोई उनमें बीमारी कोई भी रिस्क कुछ है तो उसकी जांच हो सके। 9 तारीख हर महीने की 9 तारीख को यह जांच की जाती है, यह फ्री जांच होती है, प्री नेटल केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मित्रत्व अभियान के तहत। इस अभियान का मेन टारगेट क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए। तो इसमें बहुत अच्छा काम करने के लिए हिमाचल प्रदेश को नेशनल अवार्ड मिला है। इज दैट क्लियर। एक और बात याद रखना, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है, जेपी नड्डा, यानी जगत प्रकाश नड्डा। आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है अवार्ड्स की श्रेणी में। जो आर्टिस्ट हैं एंजोली एला मेनन और रामचंद्रन, इनको कालिदास अवार्ड मिला है। आर्टिस्ट एंजोली एला मेनन और रामचंद्र को कालिदास अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये जो कालिदास अवार्ड होता है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। और विद द नेशनल कालिदास सम्मान फॉर विजुअल आर्ट्स, तो ये मिला है किसको, एंजोली एला मेनन को और उसके अलावा रामचंद्रन को। चलिए ये बताइए, कालिदास अवार्ड के दौरान प्राइज मनी क्या होता है, प्राइज मनी, ये देखिए, जो कालिदास अवार्ड होता है ये एमपी गवर्नमेंट देती है, लेकिन ये नेशनल लेवल का होता है, मतलब चाहे तो वो एमपी का भी डोमिसाइल, एमपी में भी रहने वाला बंदा हो सकता है या हमारे इंडिया में कहीं पे भी रहने वाला बंदा हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है नेशनल अवार्ड का मतलब। ईश्वर शर्मा जो है, ईश्वर शर्मा ये 8 साल के इंडियन ओरिजिन के लड़के हैं, 8 साल के इंडियन ओरिजिन लड़के हैं, जिनको ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसको, ईश्वर शर्मा को।
ईश्वर शर्मा को ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि जो योगा चल रहा था योगा के दौरान ये यंग अचीवर कैटेगरी में ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। क्यों? इनके योगा में, योगा की फील्ड में इन्होंने उन्हें काफी अच्छा काम कर रखा है। ठीक है, तो इनको गोल्ड मेडल दिया गया, इन्होंने रिप्रेजेंट किया ग्रेट ब्रिटेन एट दी वर्ल्ड स्टूडेंट गेम्स 2018 के दौरान। मतलब इन्होंने एक तरीके से ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट किया था योगा के लिए, तो इसीलिए ईश्वर शर्मा को क्या मिला है, ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। रेमन मैक्से अवार्ड 2018 का टाइटल दिया गया है दो इंडियंस को, भारत बतवानी एंड सोनम बागचुक। भारत बतवानी एंड सोनम बागचुक, इनको 2018 का रेमन मैक्से अवार्ड। रेमन मैक्से अवार्ड बहुत ही प्रतिष्ठा वाला अवार्ड होता है, और इसको इंटरप्रेट किया जाता है एक तरीके से, जो नोबल प्राइज मिलता है ना वर्ल्ड लेवल पे, ये एशिया का नोबल प्राइज समझ लो आप इसे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। इस बार दो इंडियंस को भी अवार्ड मिला है, रेमन मैक्से अवार्ड, जिनके नाम है भरत बतवानी और सोनम बांगचुक। भरत बतवानी तो एक साइकाइटिस्ट है जिन्होंने मेंटली इल स्ट्रीट पर्सन्स का इलाज किया था, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला। और सोनम बांगचुक ने साइंस को हार्नेस करते हुए और कल्चर को क्रिएटिवली यूज करते हुए, साइंस और कल्चर को क्रिएटिविटी यूज करते हुए इकोनॉमिक प्रोग्रेस में काम किया है लद्दाख की यूथ्स के लिए। अगर हम बात करें रेमन मैक्से अवार्ड की 2018 की कंप्लीट लिस्ट की, तो और भी लोगों को अवार्ड मिले, जैसे इंडिया से भारत बतवानी और सोनम बांगचुक, उसके अलावा यूक चेंग जो कि कंबोडिया से हैं, मारिया डी लॉर्ड्स मार्टिन क्रूज ईस्ट तिमोर से, हॉवर्ड डी फिलिपिन से, और बोथ ही होंग हियन ये वियतनाम से। आप तो मेन भारत बतवानी और सोनम बागचुक के बारे में याद रखना, मैक्से अवार्ड के बारे में याद रखना। मैक्से अवार्ड जो है वो एशिया का नोबेल प्राइज है, एशियन कंट्री के लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड विनर, विनर्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, देखिए जो ब्रिक्स का क्या फुल फॉर्म है, ब्रिक्स क्या है, ये है आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो इसके जो थर्ड ब्रिक फिल्म फेस्टिवल चल रहे थे, इसके कुछ अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो दिए गए, ये कहां पे सेलिब्रेट किया गया, डरबन साउथ अफ्रीका में, और उसी दौरान ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल के दौरान इंटरनेशनल डरबन फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा था। तो इस दिन, मतलब इस सेरेमनी के दौरान कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए गए थे। अगर हम वो अवार्ड की बात करें, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है बनीता दास को, उसके अलावा बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है न्यूटन को बाय अमित मासूरकर, और स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला है ब्लेज रॉक स्टार बाय रीमा दास। ठीक है, ये मिले हैं अवार्ड ड्यूरिंग दी थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा बनीता दास कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस है, या फिर न्यूटन क्या है, बेस्ट फिल्म, न्यूटन जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला उसको। अच्छा, ये भी पूछ लिया जा सकता है कि थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहां पे कंडक्ट हुआ था, तो याद रखना डरबन साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कहां पे हुआ था, डरबन साउथ अफ्रीका में। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो जुलाई महीने में लाई करती हैं। पहली है 1 जुलाई, इसको जीएसटी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हमारा जीएसटी जो है वो, मतलब जीएसटी का पहला साल हो गया है, जीएसटी इंप्लीमेंट हुए। ठीक है, तो जुलाई 1 जीएसटी डे, जीएसटी बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में, तो इसीलिए इसको याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 242nd इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएस, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 6 जुलाई की अगर बात करें, तो इसको वर्ल्ड जूनोसिस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए जूनोसिस क्या होता है, जूनोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका जू का मतलब होता है एनिमल और नॉस का मतलब होता है एलिमेंट्स, मतलब जो एनिमल्स में बीमारी होती है ना, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड जूनोसिस डे बनाया जाता है एट 6 जुलाई, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 7 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे एंड चॉकलेट डे के तौर पर मनाया जाता है। मतलब 3 दिन बनाए जाते हैं, मतलब 3 चीजें मनाई जाती है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे एंड चॉकलेट डे, नॉट इंपॉर्टेंट। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है कि पॉपुलेशन रिलेटेड क्या क्या इश्यू हो सकते हैं। 2018 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम थी फैमिली प्लानिंग इज अ ह्यूमन राइट। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सबसे पहली बार 1989 में सेलिब्रेट किया गया था। 24 से 26 जुलाई जो है वो कारगिल विजय दिवस के तौर पे मनाई जाती है, जब कारगिल विजय दिवस जो है 1999 में कारगिल वॉर हुआ था इंडिया का पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, इसीलिए 24 से 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के तौर पे मनाई जाती है। बाकी इसके इसके रिलेटेड में और भी कुछ बातें दी हुई हैं कारगिल वॉर के बारे में, जैसे ये
2 महीने चला था, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इसका रिजल्ट इंडियन विक्ट्री हुई थी और ये सारी चीजें। हाँ, कारगिल जो कॉन्फ्लिक्ट था उस टाइम पे जो इंडियन आर्मी ने मिशन चलाया था उसको बोलते हैं कारगिल ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय मतलब जैसे हर एक वॉर या हर एक जो उनका इवेंट होता है उसका वो नाम रखते हैं। चलिए इसी से मुझे आप ये बताइए, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है या ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये कौन सा ऑपरेशन था? ठीक है, क्या चीज है ऑपरेशन ब्लू स्टार? सिमिलरली एक और क्वेश्चन का जवाब देना कमेंट सेक्शन में, ऑपरेशन कैक्टस। और प्लीज देखिए, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो ये मैं क्वेश्चन पूछता हूं प्लीज आप इसमें पार्टिसिपेट करो, जवाब दो। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को ये अच्छा लग भी रहा है मेरा लेक्चर या नहीं। सिमिलरली इसी तरीके से लेक्चर को रिव्यू भी करो, अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूंगा और फिर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे। आप ही की रिक्वेस्ट के बाद मैं ये सीरीज लेके आया हूं, सो प्लीज डू इट। ऑबिचुअरी में देखते हैं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर किसी की डेथ हुई है, फॉर्मल एमपी एंड मारवाड़ राजमाता जिनको बोला कृष्णा कुमारी, इनकी डेथ हो गई है। ये पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं कृष्णा कुमारी, उसके अलावा ये मारवाड़ की राजमाता के तौर पे पूजी जाती हैं। ये गुजरात की रॉयल फैमिली से बिलोंग में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद जोधपुर के उस टाइम के राजा हनवंत सिंह से इनकी शादी हुई थी 1943 में। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखना। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पर्सन चियो मियाकू, इनकी डेथ हो गई है 117 की एज में। अगर पूछा जाता है चियो मियाकू क्या है, तो इनके पास खिताब था वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन का। ठीक है, आगे चलते हैं। विजिट्स की अगर बात करें, भूटान के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है दसो सेरिंग टॉपगे, ये अराइव मतलब जुलाई महीने में आए थे 3 दिन की विजिट पे इंडिया में, सो दैट भूटान और इंडिया के रिलेशन को और ज्यादा बूस्ट किया जा सके इन टर्म्स ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। अगर हम इस साल 2018 की बात करें तो ये इंडिया और भूटान के लिए गोल्डन जुबली ईयर भी था, कि गोल्डन जुबली ईयर था। ठीक है, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, रिलीजन है बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंगखा जोंगखा, और उसके बाद करेंसी है नुलट्रम। ठीक है, नुलट्रम, तो याद रखना 3 दिन की। अगर आपसे ये पूछा जाता है भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो दसो शेरिंग टॉपगे, दसो शेरिंग टॉपगे। अगर पेपर में ये पूछा जाता है इंडिया ने अपने गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया फॉर फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो ये किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में है, तो याद रखना भूटान के कॉन्टेक्स्ट में। आर यू गेटिंग इट? अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मून जे। ये भारत की यात्रा पे आए थे, ये जो यात्रा थी वो 4 दिन की थी। इस दिन जब ये विजिट पे आए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे ने मिलकर इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री इन नोएडा। तो पेपर में अगर ऐसा पूछा जाता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री कहां पे ओपन की गई है, इंडिया के नोएडा में, नोएडा में वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री ओपन की गई है। लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो है 35 एकड़, 35 एकड़, नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये सैमसंग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सैमसंग एक साउथ कोरियन कंट्री है, एक कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है सैमसंग। ठीक है, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री कहां पे खुली है, नोएडा में। किसने खोली है, सैमसंग ने। अगर हम बात करें, आपको पता होना चाहिए जुलाई महीने में हमारे जो मोदी साहब हैं वो विजिट पे गए थे रवांडा, उगांडा और साउथ अफ्रीका, ये तीनों साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो इनकी विजिट पे गए थे। अगर हम उसमें कुछ हाईलाइट देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 200 गांव दी है रवांडा के गांव को। ठीक है, 200 गांव को दिया है, और ये जो गांव इन्होंने मतलब डोनेट किए हैं हमारे मोदी जी ने, गिफ्टेड दी काउस टू मार्क इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रवांडन प्रेसिडेंट पॉल कागमेस फ्लैगशिप प्रोग्राम। एक ग्रिंग का जो एक ग्रिंग का ये एक स्कीम है, किसकी स्कीम है, ये स्कीम रवांडा में इंप्लीमेंट की जा रही है जो रवांडा के प्रेसिडेंट है पॉल कागमे के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है, जो काऊ होती है, गाय जो होती है, वो डोनेट की जाती है या प्रोवाइड की जाती है। तो इसी इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 200 गाय रवांडा के एक गांव में बांटी थी। ग्रिंका ऑलरेडी बता चुका हूं, ये रवांडन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वन काउ फॉर वन पुअर फैमिली प्रोग्राम। ठीक है, उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने युगांडा के बाद फिर ये गए थे साउथ कोरिया अफ्रीका में, युगांडा के बाद साउथ अफ्रीका में गए थे, पहले गए रवांडा फिर युगांडा फिर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इन्हें 10th ब्रिक्स लीडर समिट को भी वहां पे अटेंड किया था। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है 10th ब्रिक्स लीडर समिट कहां पे हुई थी, साउथ अफ्रीका में हुई थी। इंडिया ने 1378 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है रवांडा को, 1378 रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है।
तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें आप साइड कर सकते हो जब आप मेंस का एग्जाम लिख रहे होगे और इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप बता सकते हो किस तरीके से हमारी विजिट हुई और किस तरीके से मोदी जी ने वहां पे लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड की। इंडिया ने इसके अलावा 2 लाइन ऑफ क्रेडिट 100 100 मिलियन डॉलर की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क एंड किगाली स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भी, जोन के लिए भी प्रोवाइड की है। उसके अलावा इंडिया ने 4 MOU साइन किए उगांडा के साथ, दो लाइन ऑफ क्रेडिट साइन की है 200 मिलियन डॉलर की युगांडा के साथ, ठीक है। तो बाकी डिटेल आप लोग पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला है कि जो अफ्रीका है वो इंडिया की टॉप प्रायोरिटी है, और उन्होंने युगांडा को पर्ल ऑफ अफ्रीका के तौर पे भी रिकॉल किया। उसके अलावा इंडिया एक अफ्रीका में गोल्ड हेरिटेज सेंटर बनाएगा, कहां पे? युगांडा में। गोल्ड, सॉरी गोल्ड बोला हूं, गांधी हेरिटेज सेंटर। अगर पेपर में यह आता है कि गांधी हेरिटेज सेंटर कहां पे बनाया जा रहा है, तो युगांडा के जिंजा रीजन में बनाया जा रहा है। ये एक सेंटर है गांधी हेरिटेज सेंटर, जो कि महात्मा गांधी के स्टैचू को वहां पे डेवलप किया जाएगा एक सेक्रेट साइट के तौर पे। उसके अलावा और भी चीज इंडिया ने बोला है कि अब वो अफ्रीका के लिए अफ्रीका में अपनी 18 एम्बेसीज खोलेगा अलग अलग कंट्रीज में। तो प्लीज ये थे, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें 10वीं जो ब्रिक्स समिट चल रही थी, ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है 5 कंट्रीज की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की, तो इसकी 10वीं समिट हुई कहां पे? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो इसमें बोला गया कि किस तरीके से पांचों की पांचों कंट्रियां जो है वो डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स दी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपको पता होगा अभी तक 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुके हैं और अब चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के से हम लोग गुजर रहे हैं आज के टाइम पे। पहली, अगर इसमें और डिटेल की बात करें, पहली ब्रिक्स समिट हुई थी 2009 में, वो हुई थी रशिया में। ब्रिक्स जो है एक एक्रोनिम है 5 कंट्रियों के इनिशियल्स का, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर हम बुक्स एंड ऑथर्स के सेक्शन से बात करें तो इंग्लिश पेशेंट एंड वॉल लाइट, जो कि लिखी गई है माइकल ऑनजे के द्वारा। माइकल ऑनजे ने ये दो किताबें लिखी है, इंग्लिश पेशेंट एंड वॉल लाइट। पहली बात तो ये याद रखना है, इंग्लिश पेशेंट एंड वॉल लाइट किसने लिखी है? माइकल ऑनजे ने। और इन्हीं बुकों के लिए इनको गोल्डन मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है 2018 वाला। जब मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इंग्लिश पेशेंट एंड वॉल लाइट माइकल ऑनजे के द्वारा लिखी गई है, बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स हैं ये। इसमें यह बताया गया है कि वॉलाइट जो है वो दो ऑर्फन की कहानी है, इंग्लिश पेशेंट जो है वो एक तरीके से वॉर, लॉयल्टी और लव की थीम के ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा एक बुक है जिसका नाम है विनिंग लाइक सौरभ, थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली, ये रिलीज की गई है। ये बुक जो है वो अभिरूप भट्टाचार्य ने लिखी है। अभिरूप भट्टाचार्य नॉर्मली पिलर्स के ऊपर बहुत किताबें लिखते हैं, उन्हीं में से एक किताब जो इन्होंने 2018 में लिखी है उसका नाम है विनिंग लाइक सौरभ, थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली, ठीक है। उसके अलावा इसमें, अगर इसमें बात की जाए तो इसमें सौरभ गांगुली और जो सौरभ गांगुली के कारनामे हैं उसके बारे में दिया गया था। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इन्होंने, सौरभ गांगुली ने टीम इंडिया या मैन इन ब्लू का कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया था। इससे पहले अभिरूप भट्टाचार्य एक और किताब लिख चुके हैं, विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सेस लाइक कोहली, सेम लाइंस पे इन्होंने ये सौरभ के ऊपर एक किताब लिखी है। रामचंद्र गुहा ने एक नई किताब लिखी है महात्मा गांधी के ऊपर जिसका टाइटल है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। रामचंद्र गुहा एक फेमस हिस्टोरियन है और ये बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं इससे पहले, ठीक है, जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज है। तो अभी इन्होंने ये बुक लिखी है गांधी जी के ऊपर, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर या हेडलाइंस की अगर हम बात करें, 8वीं इंडिया ओमान ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई मस्कट में, मस्कट। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है? सुरेश प्रभु। रिनाउंड हिंदी पोएट गोपाल दास नीरज जो है उनकी डेथ हुई है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह ने अनाउंस किया है कि छत्तीसगढ़ ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा और एक ऐप भी लॉन्च की जाएगी, आभार आपकी सेवा का, आभार आपकी सेवा का। तो पेपर में पूछा जाएगा कि ये क्या चीज है आभार आपकी सेवा का, ये है एक ऑनलाइन ऐप जो कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसके अलावा जो जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही थी उसके दौरान इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि एक डिजिटल इनिशिएटिव है, ठीक है, ई प्रगति प्लेटफॉर्म। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 734 यंगस्टर को रिकॉग्नाइज किया फॉर खेलो इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। जो फेडरल बैंक है उसने अप्रूवल दिया है आरबीआई को टू ओपन इट्स ब्रांच इन बहरीन, कुवैत एंड सिंगापुर। चलिए ये बताइए फेडरल बैंक के नए चेयरमैन का नाम क्या है? फेडरल बैंक के नए चेयरमैन का नाम क्या है?
तो इसी के साथ जुलाई महीने के सारे करंट अफेयर हमारे समाप्त होते हैं। एक बार आप इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, प्लीज नोट्स बनाने पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और रिवीजन करने के बाद ये देखिए, यहां पे मैंने करीब करीब 100 क्वेश्चन विद आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो। सो प्लीज डू इट। ये जो पीडीएफ है, इसको मैं इंस्टामोजो एज वेल एज स्ट्रेट जीरो क्लासरूम में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहां पे इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्लीज एंड प्लीज डू इट। जैसे कि किस कंट्री ने हॉकी चैंपियनशिप 2018 का टाइटल जीता, आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इंडिया की पहली कबड्डी मॉल विल बी सेटअप इन, इंडिया का पहला, सॉरी कबड्डी बोल रहा हूँ, खादी मॉल जो है वो कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, झारखंड में। तो कुछ करंट अफेयर जो मैं कवर नहीं कर पाया वो क्वेश्चन के माध्यम से कवर किए, और आप अपना रिविजन भी कर सकते हो। सो प्लीज डू इट। इस लेक्चर को रिव्यू करना मत भूलना, जो क्वेश्चन लेक्चर के दौरान पूछे उनका जवाब देना मत भूलना। अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। दोस्तों अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा अगर दोस्तों कोई क्वेरी आती है तो प्लीज आप मुझे इस ईमेल आईडी पर या इस मोबाइल नंबर पर फोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी भी किसी दोस्तों को, किसी फ्रेंड्स या किसी को व्यूअर को प्राइवेट वीडियोस देखने में के बारे में नहीं पता कि उनको कैसे देखना है, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे देखनी है, तो वो लोग मुझसे इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैं उनको इन वीडियोस का एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों इस लेक्चर को रिव्यू करना ना भूलें, कि ये बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा, या फिर इसमें मुझे और क्या ऐड करना चाहिए। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी पेशेंटली। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन दस विदानिया।